की अगर आप बात इज इक्वल टू यूर एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन बेटा, इट इज ईटा एंड एल आपका एस एच एल वन रह जाएगा बेटा। अब आइए बेटे इसको एक बार रीएडजस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एम वन के साथ ये एम वन आपका कट गया, एल माइनस वन भी एडजस्ट हो रहा है बेटा, और आप देख सकते हो टी की पावर माइनस टू है, डिनोमिनेटर में माइनस वन है, तो ये टी की पावर माइनस टू प्लस वन आपको इन द न्यूमिनेटर मिल जाएगी। एल की पावर आपकी बेटे फोर यहाँ पे है, और आप इसको जब अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओगे तो इट विल बिकम माइनस वन। सो दिस इज एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन, वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू बेटे। अगर हम वन और टू को बेटे कंपेयर करके देखें तो वी कैन से दैट आपकी डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो है दीज आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड। सो वी विल से दैट फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दीज आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड बेटा। ठीक, इसके साथ आपने ये जरूर मेंशन कर देना है कि देन अकॉर्डिंग टू बेटा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कॉमा द रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट बेटे, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपका रिलेशनशिप बेटे बिल्कुल ठीक है डायमेंशनली, अगर आप देखोगे इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इट मे बी इनकरेक्ट, बिकॉज अगर यहाँ पे पाई बाई ए की जगह पे कोई और भी हम लिख दें तो भी ये ठीक ही आएगा। दैट इज वाई दिस वर्ड डायमेंशनली इज मोर इम्पोर्टेंट बेटा। राइट पुत्र? हाँ जी, ये बेटे फॉर्मूला है आपके किसी लिक्विड के किसी पाइप के थ्रू फ्लो के लिए फॉर्मूला है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। अगर हमारे पास एक कंटेनर है उसमें कोई लिक्विड आपने रखा हुआ है, यू अप्लाई द प्रेशर अपॉन दैट कंटेनर एंड दैट लिक्विड इज कनेक्टेड टू एन अदर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ द पाइप, तो उस पाइप में से लिक्विड फ्लो करने लग जाता है। अगर आपका लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो, आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल में, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है इंडिकेट, देन उसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन बेटा, वेयर वी आपका रेट ऑफ फ्लो था, पी आपने जो प्रेशर अप्लाई किया वो था, आर आपके ट्यूब का रेडियस जिस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एल लेंथ ऑफ द पाइप। आपको मैं डायग्राम बना के थोड़ी हेल्प भी कर सकता हूं, अगर ये पार्ट आपका नोट कर लिया तो ये वाला हो गया होगा इधर वाला। हम बेटे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर ये आपका एक इमेजिन कर लीजिए पाइप है, ये लग रहा है ना पाइप, राइट, इसका रेडियस आपका आर है बेटा और लेंथ इसका जो है स्मॉल एल इसके बराबर। अब आपका लिक्विड यहां से आपने एंट्री करवा दी लिक्विड की, ये लिक्विड तभी इस हाइट को अचीव कर पाएगा अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, नहीं तो नहीं जाएगा। आपका अप्लाइड प्रेशर मान लीजिए पी है, और जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। विस्कोसिटी बेटे आप फ्लूइड या लिक्विड फ्रिक्शन को बोलते हो। आप अगर ये इमेजिन कर लें कि आपका लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है,
तो एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर से मूव करेगी तो इनके बीच में जो रिलेटिव फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड योर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ईटा। राइट बेटा, कोई और इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो बताइए पुत्र। ऑल राइट, चलिए बेटे। अब बेटे व्हाई आई हैव चोजन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज इसमें आप अगर मैं इसको रीराइट करूं, आपके पास था वी इज इक्वल टू पाई पी आर 4 अपॉन 8 ईटा एल। आप याद करिए थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस में, आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है बेटा, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताता, और ये हमें बेटा हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आपका फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डिराइव करना चाहते हो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो यहाँ राइट साइड पे 1 2 3 4 हो गई है बेटा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने इसको चूज किया है। तो यू मे, अब मैं बेटे देखो एक्यूरेसी चेक करना हमारा हो गया, सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको फिजिकल रिलेशनशिप कैसे डिराइव करना है। एक और करूंगा इसके बाद में, तो वी को आप लिखोगे इट इज प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन एल पावर ए, प्रेशर ग्रेडियंट इसको बोलते हो टर्म को आप। राइट, ऐसा करके आपने क्या दिया, आपने ये दो चीजों को एक जगह पर पैक करके अपने जो वेरिएबल्स हैं जिन क्वांटिटीज पे आपका ये वी डिपेंड कर रहा था उनको आपने कम कर दिया। राइट उत्तर, देन बी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पर बी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर बेटे सी। इनको कंबाइन कर लें अब हम बेटा, जब आप इनको कंबाइन करोगे आपके पास वी बच्चों आ जाएगा पी अपॉन एल पावर ए आर पावर बी ईटा पावर सी बेटा। राइट, इसको अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपको इसकी जगह पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैनेज करना पड़ेगा, इट विल बी इक्वल टू के एंड प्रेशर ग्रेडियंट पावर ए रेडियस पावर बी ईटा पावर सी। इसको बच्चों मैं फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। राइट, अब जरा थोड़ा सा अपने माइंड में एनालिसिस कर लीजिएगा कि जब हम एक्यूरेसी चेक कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, और जब हम रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है इस केस में। राइट, अब हम दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करने जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी बेटे। सो आइए, रेट ऑफ फ्लो डियर चिल्ड्रन आपके पास था एम पावर 0 एल पावर 3 टी पावर बेटा -1, यही निकाला था ना हमने अभी अभी, दिस इज इक्वल टू यूर के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सहज पी अपॉन एल क्या होगा डायमेंशनली पुत्र, पी अपॉन एल प्रेशर ग्रेडियंट। राइट, इट इज विथ M1L-2 T-2 पावर ए बेटा। और जैकलिन आर का क्या डायमेंशन होंगे पुत्र, एल, क्योंकि ये सिंपली आपका डिस्टेंस ही इंडिकेट करता है, L1 की पावर सी। एंड आदिति ईटा पुत्र, ईटा डायमेंशन नहीं याद, याद रखिए फिर, इट इज M1L-1 T-1 पावर सी। ये काफी ज्यादा हमारा यूज होता है, दैट्स वाई इट इज इंटेंडेड टू बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज। राइट, अब बेटे देखो राइट साइड पे आप अपनी टर्म्स को बेटे कंबाइन कर लीजिए। इस तरफ आपके पास के है, एम की पावर ए यहां पे पड़ी है जी, और एम की पावर कितनी है, सी, सी है ना, 1 × c विल बी सी। और जब आपके बेटे दो सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं उनकी पावर्स वो सिंपली ऐड हो जाती हैं बेटा, सो इट विल बी ए प्लस सी।
एल की पावर माइनस टू ए एक हो गया, एंड प्लस बी दूसरा आ गया, एंड माइनस सी ये भी आ गया बेटा, राइट। टी की पावर देखिए, अब टी की पावर माइनस टू ए एंड माइनस सी, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यू विल हैव टू राइट दैट बेटा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। बेटा एम की पावर राइट हैंड साइड पे ए प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, हमने एम की डायमेंशंस इक्वेट कर दी, ठीक। ऐसे ही एल की, दिस इज माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी, और इस तरफ आपके पास थ्री है जी, इक्वेट कर दिया। एंड डियर चिल्ड्रन, आपके पास देन माइनस टू ए माइनस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व करके ए बी एंड सी निकाल लोगे, और फिर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आइए देखें निकाल के, आप देख सकते हो ए आपका माइनस सी के बराबर आ गया बेटे यहाँ पे, और ए की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इट विल बी माइनस ऑफ, ए की जगह पे माइनस सी आ गया। डियर चिल्ड्रन, दिस इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, टू सी माइनस सी इज माइनस वन, सी इज माइनस वन, राइट बेटा। सी की वैल्यू आपके पास आ गई, और पुत्र जी ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ये माइनस माइनस वन, ए इज वन, इसमें अब आप इसमें पुट करो, इस इक्वेशन में इट विल बी माइनस टू प्लस बी, माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, चेक करिएगा ऐसा ही है, ओके। तो ये बी माइनस वन इज थ्री एंड बी इज बेटा फोर, ये चीज आपको मिल गई। अब आप ए बी और सी को इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट बेटा। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर वन, आपके पास वी फिर बेटे क्या बन गया, के एस एच पी अपॉन एल पावर ए कितना था बेटा, वन था, हमने पावर वन लिख दिया। आर पावर बी कितना आपका, फोर आ गया, लिख दिया। ईटा पावर सी आपका कहाँ गया, माइनस वन आ गया जी। तो आप इसको रीअरेंज कर लो इस रिलेशनशिप को, यू विल बी गेटिंग दैट आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड है, वी जो है, दिस इज के पी आर फोर अपॉन ईटा इंटू एल। अगर आपको के पता है या दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हो, राइट। कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही, राइट बेटा। अब इसके बाद हमारे पास बेटे कई बार आपको वो कह देते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है उसको आप चेक करके बताओ या डिराइव करके बताओ, तो अकॉर्डिंगली आप डिराइव कर सकते हो बेटा। इफ यू से दैट कि और करना है तो मैं और करवा देता हूँ, नहीं तो मैं आगे चलूँ, फिर बताइए आप, ऐसा क्वेश्चन कोई और डिस्कस करने की जरूरत है, हाँ जी आगे चलें फिर, ओके। इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है थर्ड एप्लीकेशन, आप अपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसी और सिस्टम में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट करोगे। नो डाउट प्रेजेंटली आपका जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस है, आपको इतना लेंथी फेस नहीं करना पड़ेगा, बट बेटे ये पैटर्न आपका हमेशा नहीं रहने वाला, दिस टेम्परेरी फेज, तो इट विल बी ओवर,
तो हमने अपना जो हमारा कंटेंट है सिलेबस है इसको करना तो है ही है। आफ्टर दिस फिर हम एरर एनालिसिस पे आ जाएंगे, उसमें फिर आपके जितने मर्जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते रहो, इसमें भी आपको वो कह सकते हैं ये फॉर्मूला लिख देंगे, वो कह देंगे जी इसमें आप जो आपका फॉर्मूला है मास की डायमेंशंस बताइए, कुछ ऐसे कह सकते हैं। तो यू आर टू बी वेरी मच अवेयर कि कैसे कैसे आपको ये सारा सेटअप जो है सॉल्व करना है, राइट बेटा। देन आइए बेटे आगे चलें, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको डियर चिल्ड्रन। थर्ड एप्लीकेशन है हमारा टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। बेटा मान लीजिए आपको दिया गया है कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इनटू डाइम्स। बेटा फोर्स आपको 10 न्यूटन का दिया गया है, आप इसको डाइम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसा हमारा टेक्निक होगा, क्या हमारा प्रोसीजर होगा, लेट अस विद ए कंसंट्रेट अपॉन इट। सबसे पहले आपने इस क्वांटिटी को देखना है 10 न्यूटन, आपको उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी दी है 10 न्यूटन की, और आप अच्छे से जानते हैं न्यूटन आपका फोर्स का यूनिट होता है बेटा, तो आपको फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो m1 l1 t माइनस 2 हुआ करता है, राइट। इसमें a आपका 1, b आपका 1 एंड c आपका माइनस 2 हो गया बेटा, राइट। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप इसको बोल दो कि ये आपका ओल्ड सिस्टम है, ये आपका न्यू सिस्टम है यूनिट्स का, तो आप कुछ ऐसे मैनेज कर सकते हो बेटा। ओल्ड सिस्टम में आपको वैल्यू n1 इट इज गिवन टू बी 10 न्यूटन आपको दिया गया था फोर्स, और नए सिस्टम में आप निकालना चाहते हो n2 आप निकालना चाहते हो, ये आपको पता नहीं है कितना है। ऐसा ही सिस्टम है ये बेटा, इसका मतलब है इस सिस्टम में आपका जो m1 होगा इट विल बी इन किलोग्राम, और इस सिस्टम में आपका जो m2 होगा दैट विल बी इन ग्राम्स, इस सिस्टम में जो आपका लेंथ होगा दैट विल बी इन मीटर्स, इस सिस्टम में लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर्स, इस सिस्टम में टाइम विल बी इन सेकंड्स, इस सिस्टम में टाइम विल बी इन सेकंड्स। बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए बेटे थोड़ी सी और बात करके देखें इस सारे के बारे में। जब आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस किया था डिस्कस, एट दैट टाइम बेटे हमने कहा था कि हमारा क्यू फिजिकल क्वांटिटी है और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसके बराबर बोला था हमने, है ना बेटा। एक एग्जांपल लूंगा मैं छोटा सा स्पेसिफिक, यहाँ पे आपके पास कोई लेंथ ऑफ ए वायर 5 मीटर की है, एल 5 मीटर है आपके पास, इसका मतलब है एसआई सिस्टम में आपका n1 5 हो गया और यूनिट हो गया आपका मीटर। आप कहते नहीं जी हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम तो सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं, तो आप उसको 500 सेंटीमीटर लिख लो, फिर अब आपका n भी बदल गया और u भी बदल गया, और आप आई मीन टू से दैट उसी क्वांटिटी को n2 इंटू u2 करके भी तो लिख सकते हो ना बेटा। अगर एक सिस्टम में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है दूसरे में बड़ी हो जाएगी, एक सिस्टम में अगर यूनिट्स आपके बड़े हैं दूसरे में छोटे हो जाएंगे, और आप ऐसे लिख सकते हो n1 इंटू u1 n2 इंटू u2, है ना बेटा। u1 आपका जो है, आप बेटे इसको कुछ ऐसे लिखा करते हो m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, राइट। राइट साइड पे n2 आपका ऐसा सच है ही है, इसको आप लिख दोगे m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c, है ना बेटा।
याद है ना आपको, हमने किया हुआ है ये। आपको देखो n2 निकालना था, इट विल बी n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c डिवाइडेड बाई m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। ऐसे कर सकते हैं हम। एंड बच्चों आपके पास फिर देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, n1 आपने एस एच लिख लिया, आपने m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड डियर चिल्ड्रन t1 अपॉन t2 पावर c आपने लिख दिया। ये चीज आपके पास रहे बन गई, राइट जी। ये यूज करने वाले हैं हम। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि ये आया कहां से, कई बार ये चीज हमारी मिस हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली वी आर टू मैनेज दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। चले आगे। अब इसमें अब हम बेटे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एम टू। बेटा एम टू आपके पास जो है इट विल बी इक्वल टू एम वन, एंड एन वन की वैल्यू डाल दूं मैं, टेन लिख ही देता हूं बेटे, ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है। एम वन आपका बेटा वन के जी था, एम टू आपका वन ग्राम है, ये कितना था बेटे वन था। इधर भी ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको पावर्स का भी। ऐसे ही एल वन आपका एक मीटर था, एल टू आपका एक सेंटीमीटर, पावर बी कितना है बेटा अगेन वन। वी कैन राइट लाइक दिस सीधा। देन टी वन सेकेंड्स में है, टी टू भी आपका सेकेंड्स में है, पावर कितना हो गया जी माइनस टू बेटे, राइट बेटा। अब देखो यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है यूनिट्स में, हमें इनको बराबर कर देना होगा। तो बिकॉज बेटे आप एस आई से सी जी एस में आ रहे हो, है ना, आप इसको ग्राम्स में बदल दोगे, इसको सेंटीमीटर में, इसको सेकंड, तो चलो सेकंड ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी टेन, एक किलोग्राम के आपने ग्राम बना दिए, और ये ग्राम है सच पावर वन, एक मीटर के आपने सेंटीमीटर्स बना दिए, सेंटीमीटर है सच, सेकंड तो चलो सेकंड ही है, इसकी पावर माइनस टू कर दी, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, सब एडजस्ट हो गए बेटा। सो वी हैव 10, 1000 की पावर 1 बच गई जी, एंड 100 की पावर पुत्र कितनी बची 1, एंड 1 की पावर कितनी बच गई माइनस 2। बेटे 1 की पावर माइनस 2 कितना होता है, 1 ही रहेगा ये, राइट। सो इट विल बी 10 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1, इट विल बी 10 raised to power 6 बेटा। सो आपका नए सिस्टम में जो वैल्यू होगा न्यूमेरिकल, इट विल बी इक्वल टू 10 raised to power 6 ऑन द बेसिस ऑफ द योर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा, राइट। इसके बाद बेटे हम अगर आपको हो तो हम बेटे बीच में 12th वाले क्यों आ रहे हैं बीच में, आइए बेटे आगे चल पड़ते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है एरर एनालिसिस का, इसकी साथ ही बेटे डायमेंशनल एनालिसिस मेरी तरफ से ओवर है। आपको कोई पॉइंट नहीं पता चला, आप चाहते हैं कि उसको रीडिस्कस कर लें तो मुझे बता दो, मैं करवा देता हूँ। आपको देखो तीन एप्लीकेशंस आनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आना चाहिए, और आपको डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की आनी चाहिए बेटा, और इस सब के साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस भी आना। एक एक चीज रह गई हमारी छोटी सी, लेट मी कवर दैट आल्सो बेटा। कई बार एग्जामिनर आपको बेटे इनके बिना एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आइए थोड़ा सा उसको भी देख लें एक बार। कई बार वो आपको बेटा कह देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जी, उसकी वेलोसिटी वी जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स, कुछ ऐसे कह देते हैं, वेयर
x is in meters and t is in seconds और v आपका velocity है. आपको अगर सिंपल सिचुएशन में रखना होगा वो कह देंगे कि a की डायमेंशन निकालो, b की निकालो या c की निकालो. अगर आपका टाइम ज्यादा लेना होगा वो कह देंगे a ओवर b की निकाल दीजिए, b ओवर c की निकाल दीजिए. मतलब आपको इनको थोड़ा और एक स्टेप आगे चल जाना पड़ेगा. सो आइए अब बेटे हम a के लिए इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में कहा हुआ है कि डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दीज आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड, दीज आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द सेकंड फिगर ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज आल्सो इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द थर्ड ऑफ द थर्ड क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड. तो आप इनको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो और आप इनको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो. जो जो निकालना आप करते जाओ. अगर कहीं मुश्किल पड़ जाए इसकी डायमेंशंस इसके बराबर होंगी याद रखिएगा, इसकी डायमेंशंस इसके बराबर होंगी याद रखिएगा, इसकी डायमेंशंस इसके बराबर होंगी याद रखिएगा. आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट उठा सकते हैं इसको वर्कआउट करने के लिए बेटा. सो आइए देखें, मुझे a चाहिए, मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ. a विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, इट इज एल वन पी माइनस वन. ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एम जीरो एल वन पी माइनस वन, राइट बेटा? ठीक. और बी के लिए आप इसको इससे कंपेयर कर दीजिए. बी इंटू टी का स्केयर आपका वी के बराबर है. बी बन गया वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्केयर, बी बन गया एम जीरो एल वन पी माइनस वन अपॉन टी टू, दिस इज एम जीरो एल वन पी माइनस थ्री. बेटा चेक करिएगा ऐसा ही है. और सी का आप निकालोगे, अब देख लो करके एक बार. सी इज इक्वल टू टी माइनस वन. सो ये आ गया जी एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन बेटा. सो इस तरीके से आप बेटा इसको निकाल सकते हो. तो ये बेटे आपका जस्ट एक और टाइप था. इसके साथ ही साथ आपको डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन सारी पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाया करता है, कहाँ कहाँ पे हमें वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देता है, या कहाँ कहाँ पे हमें डायमेंशनल एनालिसिस के साथ कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. इस चीज को एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर एरर एनालिसिस बेटे कल से स्टार्ट कर लेते हैं. कल हम एरर एनालिसिस शुरू भी करेंगे और खत्म भी कर लेंगे. आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा. हाँ जी बुत्तर. हाँ कैसकी एक्स मीटर्स में बेटा डिस्टेंस आ दिया हुआ आपको. आपको मैंने बोला था वी आपका जो है वेलोसिटी है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है बेटा, राइट? ठीक है बेटे, बाकी फिर कल स्टार्ट करते हैं. थैंक यू ऑल बेटा.